स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भाई, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आ गया भाई। दो दिन तो बारिश थी, गाड़ी खड़ी में अंदर तक पानी कैसे आया होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं से लीकेज है क्या, कहीं से लीकेज हो रही है क्या? तो भाई कपड़ा मारो गाड़ी के अंदर, कहीं भी जाना है तो ह्यूंडई एक्सरे के साथ और नई जर्नी पे निकलते हुए ट्रिप टू अमृतसर। लो भाई चमक गई अपनी ह्यूंडई एक्सटर। भाई अगर गाड़ी का मालिक बनना है तो नौकर पहले बनना पड़ता है, तो अपनी गाड़ी की साफ सफाई करके ही भाई जाने में जो मज़ा आता है वो अल्टीमेट है। तो भाई जा कर रहे हैं, जा रहे हैं आज अमृतसर। अमृतसर की ड्राइव है आज 2.5 घंटे की लगभग। हाँ जी कैसे हैं सारे भाई, हो क्या रहा है? पहले दिल्ली का ट्रिप लगा वंदे भारत एक्सप्रेस से, व्लॉग आपने देख लिया होगा। उसके बाद शिमला का ट्रिप लगा, वो व्लॉग भी आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो भाई आज जा रहा हूँ अमृतसर में। भाई एक तो जॉब में, आप पता है मैं टीचर हूँ पंजाब में, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। तो भाई उसके साथ साथ एक तो वहां से इतना वर्कलोड है, अब दूसरा साथ साथ में अचानक से ऐसे ऐसे ट्रिप बन रहे हैं जिसका कुछ बिल्कुल ही मैंने उम्मीद नहीं की थी। आज जा रहा हूँ जलंधर से अमृतसर। अमृतसर क्यों जा रहा हूँ? एक तो भाई सिस्टर मेरे कनाडा में रहते हैं, उनका एक मोबाइल फोन उन्होंने वहां से भेजा है, एक आईफोन, जो कि मुझे देना है अपनी दूसरी सिस्टर को, तो उनके लिए वो फोन लेने जा रहा हूँ आईफोन वहां से। और दूसरा एक अब अमृतसर जा रहा हूँ तो भाई सोचा कि आपको भी साथ ले चलूं। तो भाई आज अमृतसर चलते हैं। अमृतसर एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, आप सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो पंजाब में गोल्डन टेम्पल जो है वहाँ की, मतलब गोल्डन टेम्पल के नाम से अमृतसर लोग बहुत आते हैं, बहुत टूरिस्ट अमृतसर में आता है पंजाब में, जिसको हम हरिमंदिर साहब भी के नाम से जानते हैं। तो आज वहाँ पर माथा टेकूंगा और आशीर्वाद मांगूंगा अपने लिए, आपके लिए, सभी के लिए, कि सब खुश रहें, मस्त रहें। हाँ जी कैसे हैं सारे, गाड़ी गुड़ी चमका के, गाड़ी साफ करके, तो अब हम रेडी हैं अमृतसर के लिए। तो भाई चलते हैं अमृतसर। कहीं भी जाने के लिए मेरी जो पुरानी हैबिट है, चाहे मेरे पास पहले वाली गाड़ी थी या ये नई गाड़ी ह्यूंडई एक्सर है, गाड़ी को साफ करना। भाई मेरे को गाड़ी गंदी चलानी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कहीं भी जाने से पहले कपड़े से, फोम से, कैसे भी करके गाड़ी को पूरा चमका के गाड़ी को चलाने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही आता है। विशेष स्थल को भी धार बोला जाता है, नहीं हमारे छोटी पहाड़ियों को धार बोलते हैं। अच्छा हो सकता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भाई, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आ गया भाई।
यहाँ आ जाओ। ये है जी।